वहां के तो कहत विकास माने हमारा ला ज्यादा विकास बड़ विकास से जाओ के अभी नहीं के कैले हम 80% गांव तो काम हमारे पहुंच गई बा 10-20% बाकी राय जी उस विकास का नाम क्या है कहीं बताइएगा अगर आरा स्टेशन को आप विकास गिनवा रहे हैं तो शाहपुर में तो बनी गई थी ओवर ब्रिज सुनिए सुनिए ना संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा है तो 7 विधानसभा को अगर हिस्सेदारी दीजिए तो आप कितना शाहपुर में दिए आप स्वयं देखिए और हम तो आग्रह करेंगे सारे मीडिया बंधुओं से कि आप लोग जाइए और दिखाइए कि कहां पर सड़क बना है आरके सिंह के योजना से कहां पर गली नली बना है आरके सिंह के योजना से हमें कहीं नहीं दिखता है अगर आपको दिखता है तो आप लोग सामने लाइए बिल्कुल बिल्कुल अक्षय तृतीया शायद मनावल जाला अक्षय तृतीया 10 तारीख के पड़ता उस 10 तारीख के हमने के अपन नामांकन करके निश्चित कर ले बनी जा इनका फंड क्यों वापस हो गया 17 करोड़ रुपया आप क्यों नहीं खर्च कर पाए उससे कितना लोगों को रोजगार मिलता इतना हमने के अपने आप के ठगल महसूस करत नहीं जा 5 साल में इतना ठगल महसूस करत नहीं जा जाना के कोनो सीमा नहीं है रावा भी ये समस्या के बतौनी है देख रावरा चैनल के माध्यम से हमने के बार बार देख के और रुअत रही जब खेत के गंगा जी के बाढ़ जब आवत रहे जब ढाही एगो गिरत है नू तो लागत है करेजा पगिर रहल बा उ ढाही गंगा जी में ना जात रहे उ करेजा पगिरत रहे आ उ पत्थर शायद कैसे उ मतलब किसान के उ किसान के खून जौन बहत रहे एकदम गंगा जी में उ काहे ना हमारे सांसद महोदय के लौकल अभी तक ले कोई डेलीगेशन सांसद को स्पेशल अधिकार है तो मंत्री है ये तो मंत्री है राज्य सरकार में सांसद को स्पेशल अधिकार है कि अगर इस तरह की आपदा आती है तो उस आपदा के लिए स्पेशल टीम का गठन करके और वहां पर जांच कब होगा जब बाढ़ आएगा तब अभी समय था बाढ़ पर कार्य करने का वहां का तो कोई गई नहीं जो पानी वरी तक में काम लागे कहीं नू तो गई नहीं ओकर बाद फिर चुनाव आई बा आई ओकर बाद हमनी के जय जय क के मोदी मोदी क के वोट दे देबे के अरे गड्ढा में फेंक दीजिए अपने मत को अशोक तिवारी तो बहुत कर्मठ और ईमानदार आदमी है अगर कोई पागल भी आए ना तो हम सांसद को का विरोध करके और उसको वोट देंगे बिल्कुल बहुत सारा सवाल बा बहुत सारा समस्या बा आखिरी सवाल रही हमनी के 7 तारीख से नामांकन के प्रक्रिया शुरू हो जाये का बुझाता रहू कोनो समय फिक्स के लिए मैंने बहुत सारा लोग तो मैंने घूम घूम न्योता देता कि भाई फलना दिन है हमार नामांकन बात तो रहू मैंने कुछ जनता जनता तो कब जो कहिया नॉमिनेशन हुई भैया हो दे पीछे बानी उमेश भैया आई है ना आई ऐसे बोधा भैया के नाम से यहाँ के सब लोग कहला बहुत प्रचलित आदमी है लेकिन हीराकांत ओझा जी बानी चंदन जी आई सब लोग आई है हमनी के निर्णय इहे सभी बताई कहिया नॉमिनेशन हुई आगे बढ़ी जी बताई बताई हमनी के सोचत नहीं यही कि अभी जौन समय चल रहा बड़ी तो लगन के समाप्ति हो गई तो हम कोनो शुभ कार्य के करे खातिर सोचे आदमी कोनो बढ़िया तिथि ना बाबा कोनो बढ़िया तिथि रही वो तिथि के कल जाई तो अभी परशुराम जयंती आ रहा बा अक्षय तृतीया शायद मनावल जाला अक्षय तृतीया 10 तारीख के पड़ता उस 10 तारीख के हमने के अपन नामांकन करे के निश्चित कर ले बनी जा आई निश्चित करे के कारण हमने के का भइल बड़ुए कि इतना हमने के अपने आप के ठगल महसूस करतनी या 5 साल में इतना ठगल महसूस करतनी या जाना के कोनो सीमा नहीं है रावा भी ये समस्या के बतौनी है देख रावरा चैनल के माध्यम से हमने के बार बार देख के और रुअत रही जब खेत के गंगा जी के बाढ़ जब आवत रहे जब ढाही एगो गिरत है नू तो लागत है करेजा पगिर रहल बा उ ढाही गंगा जी में ना जात रहे उ करेजा पगिरत रहे आ उ पत्थर शायद कैसे उ मतलब किसान के उ किसान के खून जौन बहत रहे एकदम गंगा जी में उ काहे ना हमारे सांसद महोदय के लौकल अभी तक ले कोई डेलीगेशन सांसद को स्पेशल अधिकार है तो मंत्री है ये तो मंत्री है राज्य सरकार में सांसद को स्पेशल अधिकार है कि अगर इस तरह की आपदा आती है तो उस आपदा के लिए स्पेशल टीम का गठन करके और वहां पर जांच कब होगा जब बाढ़ आएगा तब अभी समय था बाढ़ पर कार्य करने का वहां का तो कोई गई नहीं जो पानी वरी तक में काम लागे गई नहीं नू तो गई नहीं बाद फिर चुनाव आई बा आई ओकर बाद हमनी के जय जय क के मोदी मोदी क के वोट दे देबे के अरे गड्ढा में फेंक दीजिए अपने मत को अशोक तिवारी तो बहुत कर्मठ और ईमानदार आदमी है अगर कोई पागल भी आए ना तो हम इस सांसद को का विरोध करके और उसको वोट देंगे लेकिन इसको नहीं देंगे हम अपना मत का जिम्मा रखते हैं कि किसी पागल आदमी को देना अच्छा है अच्छा ये बताइए आप दे रहे हैं
क्या आधार है, इनका फंड क्यों वापस हो गया, 17 करोड़ रुपए आप क्यों नहीं खर्च कर पाए, उससे कितना लोगों को रोजगार मिलता, कितना गरीब लोग ढलाई में अपना आता। वहाँ के तो कहते हैं विकास माने हमारे लिए ज्यादा विकास बड़ विकास है, जो केहू अभी नहीं के कहले, हम 80% गांव तो काम हमार पहुंच गई बा, 10-20% बाकी। राय जी उस विकास का नाम क्या है कहीं बताइएगा, अगर आरा स्टेशन को आप विकास गिनवा रहे हैं तो शाहपुर में तो बनी गई थी ओवर ब्रिज। सुनिए सुनिए ना, संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा है, तो 7 विधानसभा को अगर हिस्सेदारी दीजिए तो आप कितना शाहपुर में दिए हैं आप स्वयं देखिए। और हम तो आग्रह करेंगे सारे मीडिया बंधुओं से कि आप लोग जाइए और दिखाइए कि कहां पर सड़क बना है आरके सिंह के योजना से, कहां पर गली नली बना है आरके सिंह के योजना से, हमें कहीं नहीं दिखता है। अगर आपको दिखता है तो आप लोग सामने लाइए।